खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का पुतला फूंककर विरोध जताया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा का कहना है कि जिस तरह से लगातार गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी प्रयागराज कुंभ मेले को लेकर हिंदू विरोधी बयान, साधु संतों महात्माओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना दुर्भाग्यपूर्ण है। हिंदू आस्था के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। इसी के विरोध में भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट चौराहे पर अफजाल अंसारी का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन किया गया। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा का कहना है कि जिस तरह से अफजाल अंसारी लगातार विवादित बयान दे रहे हैं, यदि उसमें दम हो तो आतंकी सेंटरों और प्रयागराज के उस मदरसे पर कोई बयान नहीं देते हैं जहां पर मदरसे में नकली नोट छापे गए थे। भाजपा नेता का कहना है कि पूरे देश में एक ट्रेंड चल रहा है, हिंदू शांत है और हिंदू विरोधी बयान लगातार मुस्लिम सांसद द्वारा दिया जा रहा है, इसका परिणाम आने वाले समय में भयानक होगा। भारत देश का हिंदू जाग गया है, एकजुट है, समय आने पर ईंट का जवाब पत्थर से देगा। इस मामले को लेकर जिले की पुलिस से मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग की। भाजपा नेताओं का कहना है कि यदि पुलिस प्रशासन मुकदमा नहीं दर्ज करता है तो हिंदू एकजुट होकर आंदोलन के लिए बाध्य होगा। आज हम लोगों ने गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी का मतदान पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया है कि आज जब हमारा कुंभ का मेला और वहां पर करोड़ों भक्त हिंदू आस्था का केंद्र और करोड़ों भक्त जाते हैं और उस पर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, ये दुर्भाग्यपूर्ण। अफजाल अंसारी, मैं आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूँ, चेतावनी देना चाहता हूँ कि अगर हिम्मत है तो जहाँ पर आतंकवादी का सेंटर है तुम्हारे मस्जिदों में उसको सील कराओ। जहाँ पर भारी नोट की नकली नोटों का भंडार मिला है उस पर टिप्पणी देखो। ये हिंदुओं पर ही है कि तुम लोगों ने हिंदू पर मुंह उठा करके बात करने के लिए आ जाते हो। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हिंदू समाज, हिंदू देवी देवताओं, हिंदू तीर्थों पर अगर प्रहार करेगा तो ये हिंदू समाज भी ये प्रण ले लिया है कि नीचे जमीन के नीचे रेंगने वाले कीड़ों से इनको भी उसी मिट्टी में मिला करके इन लोगों को एक सबक देने का कार्य किया जाएगा। इस हिसाब से जो हिंदुओं पर अपमान हो रहा है, हिंदुओं पर अपमान किया जा रहा है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हम लोग एक पुतला फूंक करके आज विरोध प्रदर्शन किए हैं और एक ज्ञापन भी है, ज्ञापन उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए अभी दिया जाएगा कि तत्काल उसके ऊपर यहाँ पर भी FIR हो, ऐसे लोगों को संसद से बहिष्कार करने की भी मांग की जाएगी। CIBN इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।